सो गाइस इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपका M4 का जो स्प्रे इतना अच्छा है वो और भी आप अच्छा कैसे कर सकते हो। 6 लगा लो या 4 लगा लो, सही हो ही जाएगा आपका स्प्रे जो बात है। तो गाइस आ जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में। ट्रेनिंग ग्राउंड में इसमें रहे कि यार थोड़ा सा सेंसिविटी जो अप डाउन होती है उसे एकदम क्या कहते हैं उसे यार समझ नहीं आता क्या कहते हैं, ऐसे लैलदरी बैकपैक ज़रा उठा लो और साउंड को थोड़ा कम कर दो, नहीं तो कान के पर्दे ब्लास्ट हो सकते हैं। अब उठा लो M4, डबल M4 ले लो एंड यहाँ से एमओ मत लो, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, इधर से M4 लेना बेकार है। एंड एक्शन क्विक ड्रॉल उठा लो एंड गाइस कोई और अटैचमेंट्स मत उठाना क्योंकि इन गेम आपको जल्दी अटैचमेंट्स नहीं मिलती। एंड गाइस मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले यहाँ पर उठा लो सारी एमओ जो अटैचमेंट्स होती है यार, उससे आपका थोड़ा सा रिकॉइल जो है सही हो जाता है, स्प्रे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस वजह से। सो यहाँ पर सब चीज़ एमओ पूरा बैग भर के एमओ उठा लो। उसके बाद चलते हैं जहाँ ये बग्गी खड़ी रहती है यानी कि लेवल 3 हेलमेट्स जहाँ होते हैं वहाँ रुकना है आपको। सो यार पहले स्कोप लिया अपना, जो उनका स्कोप मतलब सही करना आपको, पहले M4 ले लेना एंड इसे देखो ज़रा कितने मगन से पिक एंड फायर करके फटक मार रहा है। तो यहाँ पर 4x उठा लो, एक डबल 4 ले लो या एक 4 ले लो एंड एक 6 ले लो जैसे मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक 6 कहाँ चला गया, 6s, तो यहाँ पर 6s मिल चुका है। अब चलते हैं अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहले आपको 6 का, अगर 6 का स्प्रे सही करना है तो सो यार पहले स्कोप मतलब कि ADS नहीं करना है। ADS मतलब होता है कि जो आप फायरिंग करते हो वो चीज़, फायरिंग करते हुए लेफ्ट राइट वो होता है ADS। तो भाई इस खाली 6S का जो कैमरा है वो देख लेना पहले आप हल्के करके कि आपके जो मूवमेंट है उंगली की वो एकदम सही है या नहीं। तो यार इसमें लेफ्ट से मूवमेंट भी कर रहा हूँ एंड राइट से जो अपना है वो स्कोप लेफ्ट राइट भी कर रहा हूँ। एंड जब आपको लगे ये 10 times करो, चाहे आपका 10 times में ख़राब भी जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 10 times करना है आपको एक स्प्रे के लिए। गाइस जब हो जाए अब उसके बाद स्प्रे करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा रिकॉइल कैसे कितना सही था या नहीं था वो आपको पता होगा। तो उसके बाद इसे थोड़ा सा उड़ा देते हैं एंड उसके बाद करना है बोर्ड पे स्प्रे। बोर्ड पे आपका स्प्रे खुद ही सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको फोड़ने के बाद इस छोटी वाली पे तो भैया मानो या मत मानो ये तो फूटती नहीं थी जल्दी, स्प्रे पूरा ख़राब कर देती है। सो यार अब बात करते हैं M4 का जो 4x स्प्रे होता है। सो यार इसे अब हटा के 4x कर लेते हैं एंड गाइस जो पहला स्कूटर है उस पर ब्लास्ट कर सकते हैं हम, बट वो फूटा पड़ा है। तो अब देखो मेरा 4x का स्प्रे कितना बेकार है। सो रिकॉइल तुम देख रहे हो, रिकॉइल कितना कंट्रोल है। जब इस बात को ध्यान, जब बिल्कुल डाउन आ जाती है उसके बाद आप फायरिंग जहाँ तक हो छोड़ देना क्योंकि फायरिंग के वक्त आपका जो स्कोप है वो एकदम ही ऊपर भग जाएगा। सो गाइस सेंसिविटी मेरी कॉपी कर लो, मैं आपको सजेशन ये कर सकता हूँ कि मेरी कॉपी कर लो कैमरा और ADS। कैमरा आपको मैंने पहले बताया था जो लेफ्ट राइट होता है फायरिंग के बिना, जो लेफ्ट राइट करते हो स्कोप कोई सभी। एंड गाइस ADS वो होता है जो आप फायरिंग करते वक्त लेफ्ट राइट करते हो साथ में। सो गाइस ये देखो अब जैसे मैं लेफ्ट राइट भी कर रहा हूँ गाइस फायरिंग भी कर रहा हूँ, ये तो होता है ADS। मेरा इतना स्मूथली इसमें आ रहा है क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर पहले मेरी सेंसिटिविटी लगा लेना, अगर आपका जैसे आप स्प्रे करते हो एंड गाइस आपका डाउन नहीं हो रहा तो सेंसिटिविटी 2 points बढ़ाया करो हर बार 2 points। एंड गाइस गायरो में मैं दिखा देता हूँ, बट गायरो यार कॉपी मत करा करो किसी की भी, गायरो खुद का होता है क्योंकि फ़ोन जो आपकी फिंगर मूवमेंट्स होती है ना वो लेफ्ट राइट मतलब कि फ़ोन जो अप डाउन करोगे तब होता है। तो इसमें गायरो तो आप खुद का बनाओ। एंड गाइज अगर गायरो आप यूज़ नहीं करते तो यार गायरो जो है वो यार यूज़ करो गाइज, गायरो यार बहुत सही चीज़ है वैसे तो। एंड गाइज क्राउच करके तो भाई क्या बताऊँ, क्राउच करके तो बिल्कुल जो रिकॉइल होता है वो -30% हो जाता होगा एंड प्रोन पे तो -40%, क्योंकि देखे करो आप जैसे बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं तो पहले क्राउच हो जाएंगे या लेट जाएंगे फिर मगन से स्प्रे करेंगे। सो गाइज आई होप आप समझे होंगे कि मैंने क्या कहा इन दिस वीडियो। सो आपको जब ये सारी प्रैक्टिस हो जाए आपको लगेगा हाँ भाई मेरा स्प्रे थोड़ा सा गजब आ गया,
उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने सक्सेस लगा के ऐसी आपको व्हीकल्स फोड़ने हैं कि करके, जब आपका सब ये हो जाए कि आपको लगे हाँ भाई थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो उसके बाद अब देखो करना क्या होगा आपको। सो गाइस, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको करना क्या, आपको वापस जाना है, एमओ थोड़ी सी आप फुल कर लेना, एंड गाइस अटैचमेंट्स में आप ले लेना एक वर्टिकल ग्रिप एंड एक हाफ ग्रिप, ये दो सबसे बढ़िया रहती है, एंड कंपनसेटर फ्लैश हेडर, एंड ये तो ले लेना स्टॉक जो होता है। एंड अब स्प्रे देखो सरा मेरा, पहले विदाउट एनी प्रैक्टिस के बाद जब आप ग्रिप्स लगा के प्रैक्टिस जब हो जाएगी आपकी विदाउट ग्रिप प्रैक्टिस ख़त्म, तो उसके बाद जब ग्रिप लगाओगे ना आप खुद देखो यार कैसा स्प्रे होता है। सो अभी देखता हूँ सिक्स लगा के, यहाँ ज़रा हम लेफ्ट राइट इस मारे कट हैं कि पता चले। अब देखो तुम, टू ब्लास्ट हो गई एक स्प्रे में। तो गाइस रिकॉइल का तो यार आप देख रहे होंगे कि मेरा रिकॉइल कंट्रोल कितना सही है। सो गाइस यार वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ से लाइक कर देना, एंड गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round.